तो भाई यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे गाड़ी रुक रही है, गाड़ियाँ फंस रही हैं। देखते हैं हमारी गाड़ी आगे निकल जाती है, नहीं निकलती। Hey guys, good morning, welcome back to the channel. So, क्या हाल चाल आपके है? वो बहुत बढ़िया होंगे। आज से उत्तराखंड सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और उत्तराखंड सीरीज में मैं आपको तुंगनाथ, बद्रीनाथ, तो अभी रात के 1 बज रहे हैं और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अभी, और यहाँ से निकलेंगे पहले सीधा बद्रीनाथ के लिए, और देखते हैं रास्ते में अगर कहीं रुकना होगा या जैसा भी प्लान होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं जो भी ब्लॉग शूट करूँगा वो मैं इस कैमरे से करूँगा। बहुत दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, ये अभी आया। सो अब जितने भी ब्लॉग शूट होंगे वो इसमें होंगे। आप मुझे जो भी ब्लॉग देखेगा वो इस कैमरे से देखेगा। मेरे को बताना आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, कमेंट्स में बताना। तो चलो इस पे स्विच करता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो भाई अब जितने भी ब्लॉग शूट होंगे वो इस कैमरे से होंगे। आप देख लो ये कैमरा कैसा है, जरा सा है, छोटा सा है, पिद्दू सा है और बहुत ही अच्छा है। आप लोग बताना इसकी वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी, ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। मैं एक्सटर्नल कोई भी माइक इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल की डेट में, और पैकिंग मेरी हो चुकी है ऑलमोस्ट। और ये दो भाई हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं, अखिल और संस्कार। अच्छे संस्कार हैं हमारे, इसलिए हम संस्कार को साथ में लेके चल रहे हैं। तो करते हैं ट्रिप की स्टार्ट। और हमने अपनी गाड़ी में अपना सामान रख दिया है और ये बांध ली है पेटी, और चलते हैं फिर, मिलते हैं आपको रास्ते में और दिखाते हैं आपको नज़ारे देवभूमि उत्तराखंड के। फाइनली भाई एक और बार रुक गए हैं, और वो रुके किस लिए हैं? चाय पीने के लिए। तो ये ढाबा है भाई, पंडित जी का ढाबा, पंडित जी के पास रुक के चाय पियेंगे। आधे बंदों को नींद आ गई थी यार, मेरी भी आवाज़ थोड़ी भारी हो रही है, मौसम बदल रहा है यार, ठंड लगने लगी है, शुरुआत हो गई है ठंड की। वैसे मैं घर से ही पहन के आया था, मतलब फुल स्लीव्स की पहन के आया था, और देखते हैं आगे कैसा मौसम मिलता है। तो पहले चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं। पहाड़ों में जा रहे हैं और चाय ना पिए तो यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो चलो चाय पीते हैं भाई। ये भूखे बागड़ बिल्ले देख लो हमारे सारे, और खाने की कंडीशन अभी इन्होंने उठा दिया। इनकी हालत ऐसी थी, ये 2 बजे निकले हैं दिल्ली से और 2 घंटे इन्हें इतनी भूख लगी कि सारा खाना निपटा दिया इन्होंने जो लेके आए थे। प्लान ये था कि ऋषिकेश से ऊपर जाके कुछ खाएंगे, मतलब जब तक सुबह हो जाएगी नाश्ता कर लेंगे यार। भाई खांसी होगी, हो गया काम। तो फाइनली भाई यहाँ से 1 घंटे बाद निकल रहे हैं और अब देखते हैं कहाँ पे पहुँचते हैं। ठंड हो रही है, जैसे जैसे सुबह होती जा रही है उस हिसाब से ठंड बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से निकलते हैं, टाइम हो रहा है 5 बज गए, ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा बैठे थे, अब बातें कर रहे थे और अब निकलते हैं यहाँ से। तो आगे का रास्ता आगे दिखाता हूँ। गाड़ियाँ सारे बैठ गए हैं भाई, सबने अपनी अपनी सीट कब्जा ली है। चलो मिलते हैं फिर। तो भाई टाइम हो गया 6:11 और फिलहाल हम एंट्री कर रहे हैं हरिद्वार में। हल्का हल्का दिन भी निकल गया, ऑलमोस्ट 4 घंटे हमें दिल्ली से निकले हुए हुए, जिसमें हमने 1 घंटे का तो ऑलमोस्ट ब्रेक ले लिया। बीच में रुकते रुकाते ठहरते खाते पीते हम लोग आए हैं, और यहाँ से निकल रहे हैं अब सीधा हम लोग ऋषिकेश के लिए।
ये रास्ता सीधा ऋषिकेश जाएगा और इसी रास्ते पे हम चलते चले जाएंगे। आगे जाके ऋषिकेश में शायद हम एक ब्रेक लें। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग जो ब्रेकफास्ट करेंगे वो ऋषिकेश के बाद थोड़ा रुक के करेंगे बट थोड़ा हम लोगों को भूख लगी तो इसलिए हमने वो पहले ही खोल के खा लिया। तो अभी भूख वगैरह ऐसी तो कुछ हो नहीं है। अगर मन किया तो बीच में एक चाय वगैरह कुछ ले लेंगे, वो आगे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। सब लोग अगर बोलेंगे तो हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट देखते हैं आगे कहाँ रुकते हैं। तो कुछ रोड का नज़ारा ऐसा है। भाई टाइम हो गया 7:15 और हम लोग रुके हैं रिलायंस के पेट्रोल पंप पे, डीजल रिफिल कराए यहाँ से। और भाई सब फ्रेश होने के मूड में है, तो आधे लोग तो फ्रेश होने गए हैं और आधे अभी कोई अपनी व्लॉगिंग कर रहा है और कोई वेटिंग में है कि मेरा नंबर कब आएगा। भाई ये जो सुबह का टाइम होता है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है किसी का वेट करने के लिए। तो भाई इस टाइम जो वेट करता है ना, उसको पता होता है उसकी कंडीशन क्या होती है। आ गई भाई वाली सिचुएशन होती है। तो यहाँ से थोड़ा सा फ्रेश होके और थोड़ा रेडी शेडी होके मुँह हाथ धो के, जिसको नींद आ रही है वो मुँह हाथ धोएगा या जो भी कुछ करेगा अपना, थोड़ी देर आधा घंटे का ब्रेक लेते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा बाबा के दरबार। तो भाई उत्तराखंड में स्वागत हो गया, आते ही 500 रुपये का चालान कट गया। वो भी किस चीज़ का? पॉल्यूशन का। मेरा पॉल्यूशन एक्सपायर हो गया और वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा फॉल्ट। तो लो भाई पेपर पकड़ो गाड़ी के। और जो लोग भाई उत्तराखंड आ रहे हो तो प्लीज़ अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन, अपनी गाड़ी के पेपर्स, अपनी गाड़ी का सब कुछ चेक करा के रखना, वरना आपको पॉल्यूशन की वजह से भी चालान कट सकता। मैं 500 रुपये का चालान पे करके अभी आया हूँ और एक गाड़ी तो खैर ऐसे ही छोड़ दी क्योंकि मेरा ऑलरेडी कट चुका था। तो चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे रुद्रप्रयाग में देखते हैं क्या है। खैर तो भाई फिलहाल हम हैं देवप्रयाग और देवप्रयाग में मैं हूँ बिल्कुल संगम के सामने। ये है दो नदियों का संगम। अलकनंदा जो मटिया मटमैले कलर की पानी आपको दिख रहा है वो है अलकनंदा, और ये है भागीरथी। दो नदियों का संगम, ये आगे जाके गंगा बनती है। ये दो नदियों का संगम है यहाँ पे और मान्यताएं बहुत सारी हैं इसकी। यहाँ पे जो थे नारद जी ने कुछ किया था उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, और इसका मैं नीचे भी जाऊंगा बट मैं आते हुए जाऊंगा। अभी हम सीधा यहाँ से निकल रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, क्योंकि बद्रीनाथ यहाँ से सीधा हम पहले बद्रीनाथ जाएंगे और उसके बाद आते हुए रास्ते में फिर इसको कवर करूँगा। बट मैं रुका था तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था दो नदियों का संगम कैसा है। तो ये भाई भागीरथी नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया और यहाँ से अब हम क्रॉस करके दूसरे पहाड़ पे जा रहे हैं। और दूसरे पहाड़ पे अब हम छाया में आ गए हैं, धूप से छाया में एकदम। और यहाँ से निकलते हैं अब आगे बद्रीनाथ की तरफ और देखते हैं पहाड़ों के नज़ारे। और खूबसूरत पहाड़ की वादियों में बसे हैं शिव जी हमारे, और उनके दर्शन के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। करीब अभी 224 किलोमीटर यहाँ से बचता है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें वो रास्ता कवर करने में। रोड्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि रोड्स ख़राब हैं, बट बीच बीच में लैंडस्लाइड है तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कुदरत का है। कुदरत कभी भी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। तो भाई फाइनली एक और ब्रेक लिया, एक और ब्रेक लेके हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा खाना पीना खाएंगे।
जो खाया था रात, कितने बजे खाया था हमने? खाया था आई थिंक 4 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 बजे के करीब। तो वो जो खाया था उसके बाद से अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं खाया था, तो इसलिए भूख लग रही थी सभी लोगों को। तो भाई अब भूख बहुत तेज़ है, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप से कुछ है, तो वहाँ पे रुके हैं, कुछ खाएंगे यार और फिर निकलेंगे। तो अभी आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ किस तरीके का दिखता है। कुछ ऐसा है यहाँ से, ये पीछे जो है ये शायद या तो अलकनंदा है या भागीरथी है, दोनों में से एक है। अब ये पता नहीं कौन सी है, शायद अलकनंदा ही होगी, क्योंकि अलकनंदा का पानी ही मटमैला था और भागीरथी का जो पानी था वो बिल्कुल ग्रीन कलर का था, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में था, क्योंकि वो डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा था। और मेरी कंडीशन ऐसी है कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लास्ट 26 आवर्स से मैं सोया नहीं हूँ, यानी मैं कल सुबह उठा था और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, तो मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है। अब जहाँ भी पहुँचेंगे या तो बीच में रुकना पड़ेगा या फिर हम बद्रीनाथ पहुँच के ही स्टे करेंगे, और जब सोएंगे भाई दम से एकदम नींद पूरी तरह आ रही है, लेटते ही सो जाएंगे भाई। तो करते हैं अभी यहाँ से लंच और फिर निकलते हैं यहाँ से, आओ। तो भाई नाश्ता आ चुका है हम लोगों का, लग गया आलू के पराठे जबरदस्त तरीके से सबके आ गए हैं। और भाई इनकी ये स्पेशल चटनी जो है, बता रहे हैं मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को कितनी भूख लग रही है, मतलब आप पी कर सकते हो कैसा लग रहा होगा। तो चलो खाने के बाद मिलते हैं। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं, खाना पीना हो गया, अब शायद गाड़ी लास्ट स्टॉप पे ही रुके जहाँ पे हमें जाना है, यानी कि बद्रीनाथ। और बाकी लोगों जो साथ में उनके मूड के ऊपर डिपेंड है, पैसेंजर चेंज हुए हैं, कुछ इस गाड़ी में आए हैं और इधर इस गाड़ी के उस गाड़ी में गए हैं। तो चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, मिलते हैं रास्ते में। तो भाई जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हो गई, और अभी हम अच्छे से आ रहे थे और अच्छे से आते आते तो भाई देख लो कितना लंबा जैम है, वो बिल्कुल लास्ट में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे कटिंग चल रही थी, मतलब पहाड़ को काट रहे थे और दोनों तरफ से गाड़ियाँ आमने सामने से आ गई और भाई ये जैम लग गया। और उसके बाद भी लोग बीच में कोई गाड़ी अपनी आगे लेके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, तो भाई सब लोग आगे बंच बना रहे हैं। अब देखते हैं ये जैम कब खुलता है भाई, कब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, वरना अभी तक तो हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। फिलहाल अभी आए हैं, हमारे पीछे भी कुछ गाड़ियाँ आई हैं, देखते हैं, ये भी एक एडवेंचर का हिस्सा है, तो इसको भी इंजॉय करते हैं भाई। भाई यहाँ से रह गया है बद्रीनाथ 102 किलोमीटर, और रास्ते में लैंडस्लाइड ऐसी हुई हुई हैं, देखो आपको दिख रहा होगा सारा रास्ता छोटा सा बनाया हुआ है निकलने के लिए, पूरा रोड ब्लॉक है, एक साइड से ही गाड़ियां आ सकती हैं और एक साइड, मतलब एक बार में एक साइड से ही गाड़ियां आ सकती हैं और जा सकती हैं, तो कुछ इस तरीके का रोड ब्लॉकेज है यहाँ पे, ख़राब हुआ पड़ा, बहुत डेंजर रोड है। ये देखो ये इस साइड की गाड़ियां वेट कर रही हैं, अब उस साइड से जब फ्री हो जाएगा तो इस साइड की गाड़ियां निकलेंगी, फिर जब इस साइड गाड़ियां निकल जाएंगी फिर उस साइड से गाड़ियां स्टार्ट होंगी निकलनी। तो कुछ इस तरीके का है, सारा रोड ब्लॉक किया हुआ है और ये सब कुछ लैंडस्लाइड की वजह से हुआ हुआ है। आप देखो पेड़ भी आपको टूटे हुए नज़र आ रहे होंगे, पेड़ सारे टूट के नीचे गिर गए भाई, बहुत ही मेजर वो हुआ था यहाँ पे, जो ये पीछे बारिश गई है, सामने भी जो देख रहा है आपको वो भी लैंडस्लाइड है, यहाँ से भी कुछ गिरा होगा पहले, अभी नहीं पहले गिरा होगा या क्लीन कर दिया होगा, जैसा भी होगा, बट इन बारिशों में बहुत कुछ हुआ है इन पहाड़ों में। उत्तराखंड में बता रहे थे उस दौरान, करीब आज से 2 महीने पहले की बात है, एक दो भी नहीं हुए होंगे पूरे, 1 महीने पहले की बात, मानसून में नहीं, मानसून के पहले ही,
मानसून के बाद अभी जो बारिशें आई हैं इसी में सब कुछ ये हुआ है। तो भाई यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे गाड़ी रुक रही है, गाड़ियाँ फंस रही हैं। देखते हैं हमारी गाड़ी आगे निकल जाती है नहीं निकलती। भाई रोड कुछ ऐसा है, गाड़ी फंस गई है आगे, गाड़ी निकल नहीं रही। भाई यहाँ पे गाड़ी फंसने का डर है, एक गाड़ी ऑलरेडी फंस चुकी थी, अब ये देखिए ये गाड़ी कैसे निकलेगी देखते हैं, और मेरी कैसे निकलेगी वो भी देखना वाली बात होगी। अरे बाप रे बाप, भाई पूरा रास्ता टूटा हुआ है, पूरा रास्ता, बाप रे। भाई रास्ता इतना खराब है कि आप देख सकते हो, आपको दिख रहा हो तो भाई बहुत बुरी कंडीशन है रास्ते की। भाई बारिश के बाद तो बहुत बुरी हालत हो गई है इन रास्तों की। मैं तो इस रोड पे, इस ट्रैक पे पहली बार आया हूँ भाई, मेरी तो रूह कांपती है। अरे बाद में पहन लेंगे, पहले अपने आप को ही बचा लो, चला के निकलो। तो भाई फाइनली टाइम हो रहा है 9:30, 9:31 और हम लोग अभी जस्ट एंट्री किए हैं बद्रीनाथ धाम में, और अभी होटल ढूंढते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ। यार थक गया मैं, ऑलमोस्ट 12 और 6, 18 घंटे से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, बीच बीच में रुकते हुए आ रहे हैं, बट रात को 2 बजे हमने ड्राइव स्टार्ट करी थी और अब 9:30 हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो चलो पहले होटल देख लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं अपने रूम में, और रूम मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। ये कुछ इस तरीके का रूम है, एक ये डबल बेड है, 2 सिंगल बेड हैं, ये वॉशरूम है। और भाई मैं वॉशरूम गया था और भाई मैं जैसे ही मैंने पानी में हाथ लगाया मेरी रूह मुझे छोड़ के बराबर में खड़ी होगी भाई, इतना ठंडा पानी। भाई अभी भी हाथ पता नहीं लग रहे, नीले हो गए मेरे हाथ, अभी पता ही नहीं लग रहे कि मेरे हाथ मेरे हैं या नहीं है। तो बहुत तेज़ ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। अभी का मैं मोबाइल में टेम्परेचर देख रहा था, यहाँ का -7 है, -7 है यहाँ का टेम्परेचर। ये भी सरप्राइज, एलजी भी सरप्राइज हो रहे हैं कि यहाँ मुझे लग नहीं रहा साहब। हाँ ये भाई ये पहले एक येती करके आता था, हिमानुष करके, ये उसी प्रजाति के लोग हैं भाई, हम उस प्रजाति के लोग नहीं है तो हमें लगती है ठंड। तो इस ब्लॉग को करता हूँ भाई यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल। खाना नहीं खाना तुझे? खाना खा लूंगा तो मगर मेरी हिम्मत नहीं है फिलहाल। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यानी के कल। और प्लीज भाई मैं बहुत दूर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, बाय बाय।